जब हम चावल पकाते हैं तो 3 कप चावल लें तो उसके साथ 3 कप नमक नहीं लेते, 1 चुटकी नमक लेते हैं। 1000 स्क्वायर फीट के कमरे में अगर प्रकाश जलाना हो तो हम 1000 बल्ब नहीं लेते, 1 बल्ब ही पर्याप्त होता है। कई बार हमें लगता है कि इस जीवन में कुछ करने के लिए हमें बहुमत में होना आवश्यक है, और कई बार नेक, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा जीवन जीने के आधार पर आसपास हर प्रकार के लोग विपरीत लगते हैं, तो मन में संशय उठता है कि भाई बहुमत में तो अधर्म से जुड़े हुए लोग अधिक हैं, असत्य, अश्लील, अपवित्र और फूहड़ जीवन शैली को अपनाने वाले लोग अधिक हैं, हम जैसे तो बड़े कम हैं जो वास्तव में धर्म परायण हैं, सत्य परायण हैं और सत्यनिष्ठ हैं। ऐसी अवस्था में क्या हमारा भविष्य उज्जवल है? हाँ, भले हम कम मात्रा में हों, लेकिन जिस प्रकार नमक कम मात्रा में होते हुए स्वाद पैदा करता है, लाइट का बल्ब एक अकेला होते हुए भी प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में यथाशक्ति यथासंभव प्रेम पूर्वक धर्मपरायण कार्य करके परिवर्तन ला सकते हैं। हमें बहुमत में रहने की चिंता नहीं रहनी चाहिए, हमें बहुत बारीकी से धर्म के तत्वों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तस्य संजनयन्हर्ष पुरुवृद्ध पितामह सिम्मनाद विनद्योचैर शंकम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों के 11 अक्षहिणी सेना थी पांडवों के साथ, कुल मिला के 18, लेकिन उसमें कौरवों की इतनी विशाल सेना होते हुए भी क्योंकि उन्होंने अधर्म का पालन किया, विनाश उनका हुआ। और जब शंख बजे, युद्ध के आरंभ में शंख बजने पर कौरवों के इतना बहुमत होते हुए भी उनका हृदय बुरी तरह से आंदोलित होने लगा, और इसलिए दूसरों के ऊपर प्रभाव करने के लिए शुद्धता और शक्ति आवश्यक है, और ये नहीं कि बहुमत होना आवश्यक है। आइए अपने जीवन में शुद्ध विचारधारा अपनाने का प्रयास करें, और चाहे हम कितने ही तुच्छ क्यों न हो, लेकिन कुछ प्रभाव अवश्य कर सकते हैं।